अलैकुम। आपकी बहन समीना आपके साथ अल्लाह ताला के सफाती नामों में से या सलामों के मायने और उसकी फजीलत लेकर आई है। या सलामों, ऐ बे ऐब ज़ात, जो शख्स कसरत से या सलामों पढ़ता रहेगा इंशाल्लाह आफतों से महफूज रहेगा और बीमारी उसके पास ना आएगी, यानी वो हर मुसीबत हर बला से महफूज रहेगा। जो शख्स 115 मरतबा ये इसम पढ़कर बीमार पर दम करेगा, अल्लाह ताला इसको सेहत तो सलामती और शफा अता फरमाएंगे। और अगर इस इसम को बावाज़े बुलंद 135 बार मरीज़ के सर पर हाथ रख कर पढ़े तो मरीज़ को शफा हासिल होगी। यानी या सलामों पढ़ने से इंसान के लिए सलामती ही सलामती है, हर तरह से सलामती, हर तरह के ख़तरे से महफूज, हर बीमारी से महफूज इंशाल्लाह। या मोमिनु, ए अमनो ईमान वाले, अल मोमिनु ए अमनो ईमान वाले, या मोमिनु ए अमनो ईमान देने वाले, जो शख्स किसी खौफ के वक्त 630 मरतबा इस इसम को पढ़ेगा इंशाल्लाह हर तरह के खौफ से और नुकसान से महफूज रहेगा, यानी इसका माल और इसकी जान दोनों ही महफूज रहेंगे। इसको पढ़ने वाले की जान भी और माल भी दोनों चीज़ें ही महफूज रहेंगी और उसको किसी चीज़ का खौफ और नुकसान नहीं रहेगा, वो हर तरह के खौफ और नुकसान से महफूज रहेगा। शख्स जो इस इसम को पढ़ेगा या लिखकर अपने पास रखेगा, इसका ज़ाहिर व बातिन अल्लाह ताला की अमान में रहेगा, यानी कि उसको हर तरह के खौफ और ख़तर से अल्लाह ताला महफूज कर देंगे। उसको उसके माल को भी कोई ख़तरा नहीं होगा और उसकी जान को भी कोई ख़तरा नहीं होगा। या मोमिनों पढ़ने वाले को, यानी कि इस विर्द को जो हर वक्त अपनी ज़बान पे रखेगा, वो हर तरह के खौफ व ख़तर, माल व जान के खौफ व ख़तर से महफूज रहेगा इंशाल्लाह। या मुहिमिनु, ऐ निगहबान, जो शख्स गुसल करके 2 रकत नमाज पढ़े और सिदके दिल से 100 मरतबा इस इसम को पढ़े, अल्लाह ताला इसका ज़ाहिर और बातिन पाक फरमा देगा। और जो शख्स 115 मरतबा इस इसम को पढ़े तो अल्लाह ताला उस पर पोशीदा चीज़ों को मतला कर देगा, यानी कि उस पर पोशीदा राज ज़ाहिर हो जाएंगे, अल्लाह ताला की हिकमत के राज, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की हिकमत के राज उस पर खुलेंगे। क्या क्या राज खुलेंगे! इतनी बरकत है इस नाम की कि जो शख्स इसका वर्द करे इस पर अल्लाह ताला के पोशीदा राज खुलेंगे। और जो शख्स 100 मरतबा इस इसम को खुलूस दिल से पढ़े तो अल्लाह ताला इसका ज़ाहिर और बातिन पाक फरमा देगा, यानी अंदर बाहर, अंदरों बाहरों, सुबहान अल्लाह, उसका अंदर भी पाक हो जाएगा, उसके दिल में कभी बुरा ख्याल भी नहीं आएगा, उसके दिमाग में कभी बुरी सोच भी नहीं आएगी और उसका बाहर भी पाक हो जाएगा, सुबहान अल्लाह। इंशाल्लाह ये इसम पढ़ने वाला बहुत ही रूहानी ताकतों का मालिक हो जाएगा, ज़ाहिर व बातिन पाक हो जाएगा, अल्लाह ताला उसका ज़ाहिर व बातिन पाक फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला।